Good morning all. Welcome to the next lecture on the software engineering. In today's lecture, we will discuss about the various type of size metrics for software. जब भी हमें किसी सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका साइज हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर हम एक बार कंपोनेंट्स का साइज कैलकुलेट कर लेंगे तो उन सभी को एड ऑन करके हम उस पूरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। For estimating the size, the system is generally partitioned into the components it is likely to have. उसको क्या किया जाता है? System को different different components में divide कर लिया जाता है। Once the component of system are known, the size of components can be generally estimated quite accurately. क्या अगर एक बार हमने software को क्या किया है? अलग अलग components में divide कर दिया, तो उन components का size calculate करना quite easy और accurate है। वन साइज ऑफ कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, अगर एक बार हमें कंपोनेंट्स का साइज मिल गया, देन साइज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कैन बी एडेड टू गेट द ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ द साइज। तो उसके बेस में हम पूरे प्रोडक्ट का या उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग द साइजेस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। अब कंपोनेंट का साइज या किसी सॉफ्टवेयर का जो साइज हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए कौन कौन सी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का साइज कैलकुलेट करने के लिए। जैसे अगर हमें कहें कि किसी चीज का वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल एटसेट्रा। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर का जो साइज हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए भी डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स हैं। एक है LOC, जिसको हम बोलते हैं लाइन्स ऑफ कोड, तो सॉफ्टवेयर में कितनी लाइन्स ऑफ कोड है, और जनरली इसको हम कैलकुलेट करते हैं KLOC, किलो लाइंस ऑफ कोड की फॉर्म में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड वन है टोकन काउंट, कि कितने उसमें टोकन्स हम यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज द फंक्शनल काउंट, और फंक्शन काउंट के उसमें कितने तरह के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे। तो बेसिकली साइज कैलकुलेट करने की तीन मैट्रिक्स हैं, लाइंस ऑफ कोड, टोकन काउंट एंड फंक्शन काउंट। पहले हम बात करेंगे लाइंस ऑफ कोड की। नाम से क्लियर हो रहा है लाइंस ऑफ कोड क्या है। बेसिकली इट इज द इजीएस्ट मेथड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। बेसिकली उस सॉफ्टवेयर की जो हमने सोर्स कोड लिखा है उसमें कितनी लाइंस ऑफ कोड हमने यूज की है उसको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ कोड मेट्रिक। और लाइंस ऑफ कोड में जो कमेंट्स हैं हमारे पास उनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो लाइन ऑफ कोड कैन बी मेजर्ड एज All lines of a program text which is not a comment or blank line, कि जितने भी कमेंट्स हैं या ब्लैंक लाइन्स हैं उनको छोड़ के जितने भी हमने वहां पे कोडिंग की है उन सब का साइज क्या कहलाता है, लाइन्स ऑफ कोड। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द लाइन्स कंटेनिंग प्रोग्राम हेडर, डिक्लेरेशंस, एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। जितना भी हमारे पास एग्जीक्यूटेबल या नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है उन सब का एड ऑन करके हम निकाल सकते हैं लाइन्स ऑफ कोड। एक्सेप्ट फॉर उसमें क्या है, तो कमेंट इंक्लूड नहीं करते और ब्लैंक लाइंस हम इंक्लूड नहीं करते। और जैसा कि हमने पहले बताया कि LOC जनरली मेजर्ड इन किलो लाइंस ऑफ कोड और KLOC व्हिच मींस 1000 लाइंस ऑफ कोड। जैसे अगर हमने लिख दिया कि एक सिस्टम का साइज है 2 KLOC, तो उसका मतलब क्या है, उसमें 2000 लाइंस ऑफ कोड हमने यूज किया। अब इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है इट इज वेरी इजी टू मेजर and it is very simple to use because it provides an exact numerical entity. लेकिन अब इसकी बहुत disadvantages हैं। क्या? It is language dependent. Language dependent, जैसे अगर हम बात करें C language की और हमें निकालना है square root of x, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक अपना अलग से function बनाना पड़ेगा जिसमें हमारे पास 5 या 7 lines of code हो सकती है। लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेज है, जैसे पाइथन है, मैटलैब है, वहां पे इनबिल्ट फंक्शन है और वहां पे हमने लिख दिया SQRT, तो इसके बेस पे ही हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मींस यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमें सी लैंग्वेज में उसी प्रोग्राम के लिए, उसी फंक्शन के लिए 5 lines ऑफ कोड लिखनी पड़ी और यहाँ पे हमारा 1 line ऑफ कोड से काम चल गया। तो मींस हर एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लाइंस ऑफ कोड डिफरेंट हो सकते हैं। कि अगर हम एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को लैंग्वेज पाइथन में बना रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड होंगे, अगर उसको जावा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कुछ और लाइंस ऑफ कोड होंगे। तो इसलिए एक यूनिवर्सल नहीं है, LOC इज लैंग्वेज डिपेंडेंट। दूसरा, LOC इज वेरीज फ्रॉम कोडिंग स्टाइल ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामर्स।
ये प्रोग्रामर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक बंदे ने लिखा इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे लिख दिया, और दूसरा पर्सन लिख रहा है इंट एक्स इंट वाई इंट जेड एटसेट्रा। तो यहाँ पे उस प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग ये एक लाइन ऑफ कोड है, लेकिन दूसरे प्रोग्रामर ने उसके लिए 3 लाइन्स ऑफ कोड यूज किया। तो मीन्स ये भी क्या है हमारे पास, डिपेंड अपॉन डिफरेंट प्रोग्रामर्स, तो ये रिलायबल नहीं है। एलओसी आल्सो डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कोडिंग, के चॉइस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोडिंग स्टाइल हमारा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल एक ने लिखा है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और एक बंदा लिख देता है एक्स प्लस प्लस। दोनों लाइंस का सेम मीनिंग है, लेकिन दोनों की कोडिंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन ऑफ कोडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिसएडवांटेज या फोर्थ वन क्या है, यूजिंग लाइब्रेरी रूटीन जनरली डिक्रीजेस द लाइंस ऑफ कोड, कि अगर हम क्या डायरेक्टली कोड ना लिख के उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करवा लें जिसमें हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो हम लाइंस ऑफ कोड को डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास लाइंस ऑफ कोड एक एफिशिएंट मेथड नहीं है टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज डिपेंडेंट है, प्रोग्रामर डिपेंडेंट है, इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट है या फंक्शन डिपेंडेंट है। फ्रॉम द लाइंस ऑफ कोड मेजर वन कैन नॉट गेस अबाउट द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। ऐसा नहीं है कि हमने क्या लिखा है कि एक कोड हमने क्या है 1000 लाइन का लिखा है तो वो बेटर होगा दूसरे कोड से जिसके लिए हमने 500 लाइन यूज किया। तो मीन्स इससे हमें क्वालिटी या एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, छोटी लाइंस ऑफ कोड का जो प्रोजेक्ट है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू लार्जर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड। इट करेक्टराइजेज ओनली द साइज एंड टेक्स नो अकाउंट ऑफ फंक्शनैलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। ये केवल साइज को मेजर करता है, उससे ये नहीं पता चलता कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो कितना कॉम्प्लेक्स या उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। सो जनरली अवॉइड्स दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स फॉर कैलकुलेटिंग द साइज। तो LOC को जनरली हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये देर आर सो मैनी ड्रॉबैक्स एज डिस्कस्ड। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास जिससे हम सॉफ्टवेयर का साइज कैलकुलेट करते हैं, टोकन काउंट। तो टोकन काउंट का मतलब क्या है, इससे हम क्या करते हैं सोर्स कोड के अंदर कितने हमने टोकन्स यूज किए हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं बाय काउंटिंग द टोकन्स इन द सोर्स कोड ऑफ अ सिस्टम ए प्रोग्राम और प्रोग्राम यूनिट। अब टोकन क्या होता है, टोकन इज अ सिंपल एंटिटी दैट मेक्स अ प्रोग्राम। द मोस्ट वेल नोन टोकन मैट्रिक वॉज प्रपोज बाय MH हार्मस्टैड हु वॉज ए प्रोफेसर एट द पर्ड यूनिवर्सिटी। अब टोकन्स को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑपरेटर्स में और ऑपरेंड्स में। ऑपरेटर्स क्या है, जैसे हमारे पास मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक सिंबल सच एज प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई एंड द अदर कमांड्स नेम सच एज इफ फॉर व्हाइल प्रिंट एफ एटसेट्रा। ठीक है, स्पेशल सिंबल जैसे इक्वल टू ब्रैकेट पैरेंथेसिस एटसेट्रा या एंड ऑफ फाइल, ये सभी क्या है हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। ऑपरेंड्स कंसिस्ट ऑफ ऑल सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा लाइक वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट एंड लेबल्स, के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम जनरली बोल देते हैं ऑपरेंड्स। और ऑपरेंड जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर और ये इक्वल टू ऑपरेटर है। ए बी और सी ये क्या है हमारे पास ऑपरेंड्स हुए हैं। Halstead has proposed a matrix for length, volume and complexity of a program based upon number of operators. तो Halstead ने जो टोकन काउंट के बेस पे हमें एक मैट्रिक फॉर्मूला दिया था जिससे हम प्रोग्राम का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसमें क्या है N1 क्या है नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर। जैसे हमने लिखा है A is equal to B plus C minus D plus F into जी। तो N1 क्या है यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स कौन से यूज किए हैं। डिफरेंट ऑपरेटर एक तो जैसे प्लस इक्वल टू है, फर्स्ट ऑपरेटर ये है, सेकंड ऑपरेटर ये है, थर्ड ऑपरेटर ये है, ये फोर्थ ऑपरेटर डिस्टिंक्ट नहीं है क्यों, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये डिस्टिंक्ट है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टार एक डिफरेंट है। सो एक ऑपरेटर इक्वल टू हुआ, दूसरा ऑपरेटर ये है, तीसरा ऑपरेटर माइनस का है और चौथा ऑपरेटर क्या है
स्टार का। तो यहाँ पे N1 क्या है, नंबर ऑफ यूनिक या डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स, N2 टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स, तो ऑपरेंड्स कौन कौन से यूज किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान ए बी सी डी एफ जी, ये क्या है, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स ही हैं, तो ये कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसके बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास डिफरेंट ऑपरेंड्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। कैपिटल N1, ये क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, कितने ऑपरेटर्स यूज हुए हैं टोटल, 1 2 3 4 5, इसमें रिपीटेड ऑपरेटर्स को भी हम यूज करेंगे, तो कितने ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, 5। N2 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, चाहे वो रिपीट हुए हैं चाहे रिपीट नहीं हुए, तो वो कितने हैं, यहाँ पे बेसिकली 6 ही रहेंगे। तो वोकैबुलरी, इसके बेस में हम वोकैबुलरी फाइंड आउट करेंगे, तो वोकैबुलरी क्या होगी उस प्रोग्राम की, जितने डिफरेंट ऑपरेटर्स या डिफरेंट ऑपरेंड्स, मींस यूनिक ऑपरेटर्स प्लस यूनिक ऑपरेंड्स का सम क्या कहलाएगा, उसकी डिक्शनरी। तो यहाँ पे 4 यूनिक ऑपरेटर थे और 6 यूनिक ऑपरेंड्स थे, तो हमारे पास इसकी डिक्शनरी कितनी हुई है, स्मॉल एन, दैट इज 10। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या है कि कितने उसमें टोटल ऑपरेटर्स और टोटल ऑपरेंड्स यूज किए थे, टोटल ऑपरेटर्स कितने थे हमारे पास वहां पे, टोटल ऑपरेटर्स थे हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन कितना था, 5, और ऑपरेंड्स कितने थे, 6 थे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हुआ है, 5 प्लस 6, मीन्स लेंथ ऑफ प्रोग्राम कितनी बनी है, 11। अब वॉल्यूम ऑफ प्रोग्राम क्या बनेगा, कैपिटल एन लॉग 2 n, तो 11 लॉग बेस 2, और स्मॉल एन कितना आया था हमारे पास यहाँ पे, 10 आया था, तो ये इसकी आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, जैसे a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स कितने हैं, देखो एक इक्वल टू और एक प्लस टू, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं डिस्टिंक्ट, ए बी सी डी 4, और N2 कितना है हमारे पास, 4। टोटल ऑपरेटर्स कितने यूज हुए हैं, 1 2 3 3, और टोटल ऑपरेंड्स कितने यूज हुए हैं, 4 प्लस 1 5। 5 कौन सा है, देखिए 5 क्या है, क्योंकि ये भी एक ओवरऑल अपने आप में, जब इनका हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, ये असाइनमेंट हो जाएगी इसमें, तो इट इज ऑल्सो ऑपरेंड बिकॉज फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स एंड देन असाइन इट टू ए। तो मींस क्या होगा, हमारे पास अगर इक्वल टू आ जाता है कहीं पे, तो उसमें हमने एक ऑपरेंड एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि हम ओवरऑल उसकी वैल्यू वहां पे असाइन कर रहे हैं। देयरफॉर डिक्शनरी वोकैबुलरी कितनी हुई है, स्मॉल एन प्लस 1 प्लस स्मॉल एन 2 6। प्रोग्राम लेंथ कितनी हुई है, N1 प्लस N2 3 प्लस 5 8। प्रोग्राम वॉल्यूम कैपिटल एन इंटू लॉग ऑफ वाई स्मॉल एन, तो 8 लॉग ऑफ 2 दिस इज ओवरऑल प्रोग्राम वॉल्यूम। तो इस ये थी हमारे पास टोकन काउंट के बेसिस पे। अब तीसरी जो मेट्रिक है वो क्या है, फंक्शन काउंट या नंबर ऑफ फंक्शनल पॉइंट्स। तो फंक्शन पॉइंट्स क्या है, कितने फंक्शंस परफॉर्म हमारा वो प्रोग्राम कर रहा है। फंक्शन पॉइंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ द सॉफ्टवेयर साइज। इन FP फंक्शनल पॉइंट क्या, द सिस्टम फंक्शनैलिटी इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ फंक्शंस इट इंप्लीमेंट्स, के कितने हो फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा है उसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं उसका साइज। द फंक्शन पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट पैरामीटर्स एज शोन बिलो। देखिए कैसे हमारे पास यहाँ पे 5 पैरामीटर्स हैं, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पैरामीटर्स कौन कौन से, एक तो नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स हमारे पास क्या है, दूसरा पैरामीटर नंबर ऑफ यूजर आउटपुट्स कितना हुआ है, तीसरा नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरीज कि वहां पे हमने इंक्वायरीज के लिए कितने नंबर दिए हैं, फोर्थ हमारा नंबर ऑफ फाइल्स कितनी यूज कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, एंड नंबर ऑफ, फिफ्थ है नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस के वहां पे एक्सटर्नली यूजर के साथ इंटरफेस करने के लिए कितने नंबर ऑफ इंटरफेसेस हम वहां पे यूज कर रहे हैं। अब इनकी वेटेज भी अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन, अगर प्रोग्राम हमारा सिंपल है तो वहां पे इसकी वेटेज है 3, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट की वेटेज है 4, इसकी वेटेज है 3 7 5। अगर प्रोग्राम हमारा एवरेज है तो ये है, कॉम्प्लेक्स है तो ये है। और प्रोग्राम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है एवरेज है कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हम फर्दर की स्लाइड्स में देखेंगे कि अगर हमारा छोटा प्रोग्राम है तो हम उसको सिंपल मान के चलते हैं, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो उसको एवरेज, और अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो उसको हम ये वाली मेट्रिक्स देंगे। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ से इनका सम निकालते हैं, और जो टोटल सम आएगा दैट इज नोन एज द काउंट या टोटल। तो नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स, पहला पैरामीटर क्या है इसमें, नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स।
नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स क्या है, ईच यूजर इनपुट दैट प्रोवाइड्स डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन ओरिएंटेड डाटा टू द सॉफ्टवेयर इज काउंटेड, कि कितने इनपुट्स के थ्रू हम वहां पे डाटा इनपुट करवा रहे हैं सिस्टम में, इट इज काउंटेड सेपरेटली। नंबर ऑफ यूजर आउटपुट्स के कितने यूजर की आउटपुट मिल रही है, ईच यूजर आउटपुट दैट प्रोवाइड्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज कैलकुलेटेड एंड नोन एज द यूजर आउटपुट, कि कितनी तरह से वो इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करवा रहा है। तीसरा है नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरीज, के कितने वे से यूजर सिस्टम के साथ इंक्वायरीज के लिए इंटरेक्ट कर रहा है, ईच डिस्टिंक्ट इंक्वायरी इज काउंटेड। चौथा कि कितनी फाइल्स है सिस्टम में, ईच लॉजिकल फाइल इज काउंटेड। फिफ्थ वन नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ऑल मशीन रीडेबल इंटरफेसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अनदर सिस्टम आर काउंटेड। एक बार जब हमारे पास ये पांचों चीजें कैलकुलेट हो गई, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर वो सिंपल सॉफ्टवेयर है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बेस पे हम इनका ओवरऑल सम निकाल के प्रोग्राम सिस्टम का साइज कैलकुलेट करेंगे। नोट दैट टू एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप मे डिफर इन देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड दे शुड नॉट कंट्रीब्यूट टू सेम अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, कि जो सेम टाइम के हो लेकिन वो क्या हो सकते हैं हमारे पास, उनका फंक्शनैलिटी अलग अलग हो सकता है। तो फंक्शनल पॉइंट की फंक्शनैलिटी कैलकुलेट करने का मेथड है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, काउंट या टोटल इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। तो फंक्शनल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उसका साइज आया है पीछे हमने कैलकुलेट किया टेबल 3.1 में, टोटल जो हमारा आया था टोटल इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेशन ऑफ F1। F1 बेसिकली क्या है हमारे पास, या FI क्या है हमारे पास, ये 14 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यूज हैं, 14 डिफरेंट एडजस्टमेंट वैल्यूज हैं जिनको हम आगे देखेंगे। अब देखिए, और ये जो 14 डिफरेंट एडजस्टमेंट वैल्यूज हैं ये सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, कैसे, कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा था उनका इन्फ्लुएंस जीरो है, अगर बहुत कम इफेक्ट डाल रहा है तो 1 है, रिलेटिवली मॉडरेट इफेक्ट डाल रहा है तो उसका मल्टीप्लीकेशन 2 से होगी, एवरेज है तो 3, और बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है सिस्टम को तो 5। तो 0 से लेके 5 तक की इसकी 6 वैल्यूज हो सकती है इन 14 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यूज की। और ये क्या है देखिए, 14 डाटा कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन लोड ट्रांजैक्शन रेट ऑनलाइन डाटा एंट्री एंड यूजर एफिशिएंसी ऑनलाइन अपडेट कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसेसिंग रीयूजेबिलिटी इंस्टॉलेशन इज ऑपरेशनल इज मल्टीपल साइट्स एंड डिजायर्ड फैसिलिटी चेंज। FP हैव बीन यूज्ड एज साइज मेजर एक्सटेंसिवली एंड हैज बीन यूज्ड फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन। तो एक इन तीनों में जो हमारे पास है, एक लाइन्स ऑफ कोड, दूसरा टोकन काउंट और तीसरा फंक्शनल पॉइंट, इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड अमंग दीज फॉर काउंटिंग द कॉस्ट, क्योंकि इसके बेस पे जो साइज है हमारे पास वो मोर एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू अदर टू मेथड्स, और उसके बेस पे हम कॉस्ट भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। FP अप्रोच हैज बीन डिजाइन फॉर डाटा प्रोसेसिंग टाइप एप्लीकेशन। हम देखिए एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, कि हमने क्या बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया स्पेलिंग चेकर, हमें उसका साइज कैलकुलेट करना है यूजिंग द फंक्शनल पॉइंट। तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास अब इसके लिए इनपुट क्या है, एक डॉक्यूमेंट फाइल होगा एंड ऑप्शनल पर्सनल डिक्शनरी फाइल, ये हम उसको देंगे एज अ इनपुट। द चेकर इटसेल्फ लिस्ट ऑल वर्ड्स नॉट कंटेन इन द डिक्शनरी, द यूजर कैन क्वेरी द नंबर ऑफ वर्ड प्रोसेस एंड नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर्स फाउंड एट द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें क्या है, जो स्पेलिंग चेकर का काम करेगा, जिसमें हमने कोई इनपुट दी वो चेक करेगा कि सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि वो उसकी डिक्शनरी में है या नहीं है, अगर वो नहीं है या हमने स्पेलिंग उसके गलत डाले तो उसके बेस पे हमें वो एरर प्रोवाइड करवा देगा। तो इसमें इनपुट क्या होगा, एक तो यूजर ने जो क्वेरी डाली है और जो उसकी डिक्शनरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है वो इनपुट होगी। तो हमने क्या दिया है, डॉक्यूमेंट फाइल दिया है, पर्सनल डिक्शनरी एज इनपुट दी है, और आउटपुट क्या देगा, मिसस्पेल्ड वर्ड्स रिपोर्ट, कैसे वर्ड्स को रिपोर्ट करेगा यूजर को जिनको उसने गलत स्पेलिंग लिखे हैं, नंबर ऑफ एरर्स इंक्वायरी, नंबर ऑफ एरर मैसेज वहां पे देगा, नंबर ऑफ वर्ड प्रोसेस्ड मैसेज, कि उनका मीनिंग अगर वो ऑलरेडी उसके डिक्शनरी में थे तो उसका मीनिंग यूजर को प्रोवाइड करवा देगा। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है साइज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल पॉइंट मैट्रिक्स।
देखिए नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स कितनी थी, अगर हम फिगर देखें यहाँ पे टू, क्या क्या है, डिपार्ट डॉक्यूमेंट फाइल एज वेल एज पर्सनल डिक्शनरी, तो नंबर ऑफ इनपुट क्या है टू है, ऐसे नंबर ऑफ यूजर आउटपुट्स थ्री है, यूजर इंक्वायरी वहां भी यूजर ने दो बार इंक्वायरी की है, देखिए कहाँ कहाँ पे इंक्वायरी की है, नंबर ऑफ एरर इंक्वायरी एंड नंबर ऑफ एरर मैसेजेस, तो इसके बेस पे वहां पे हमारे पास ये दो तरीके से आया है। नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, एक फाइल दी है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या है टू, तो इसके बेस पे, और ये हमारा रिलेटिवली क्या था, सिंपल प्रोजेक्ट, इसको हम एवरेज टाइप का प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, तो 2 × 4 8, 3 × 5 15, 2 × 4 8, 1 × 10 10 एंड 2 × 7 14, नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पे दो हैं, 20 आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अगर सिंपल प्रोजेक्ट होता तो इनको थ्री इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमारे ये एवरेज टाइप का प्रोजेक्ट है तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और अगर ये और कॉम्प्लेक्स होता तो हम इन वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते। तो इसके बेसिस पे जो फंक्शनल साइज आया वो कितना आया, 14 आया था हमारे पास, और जो फंक्शनल पॉइंट मेट्रिक है उसका साइज कितना आएगा, 55 × 0.65 × 0.01 × 14, यानी कि 43.45। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कोड, ये कोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर के डिजाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं कर रहा, इट ओवरकम द प्रॉब्लम दैट वी आर फीलिंग इन लाइंस ऑफ कोड, के लाइंस ऑफ कोड के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्ड टू ऑटोमेट एंड डिफिकल्टी टू, अब ये इसके ड्रॉबैक है कि इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, इग्नोर्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये क्वालिटी ऑफ आउटपुट को भी कैलकुलेट नहीं करता, तो ये दीज आर सम इट्स बेसिक ड्रॉबैक्स। वन मोर थिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इट इज अ सॉफ्टवेयर मेट्रिक दैट प्रोवाइड्स द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, देखिए जो अभी तक हमने तीन करे थे वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, जो लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हमने लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक अनदर टाइप की स्पेशल टाइप की मैट्रिक है, दैट इज नोन एज द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी और सीसी। टू कंप्यूट सीसी वी हैव टू मेक फ्लो ग्राफ, हम उसमें क्या करेंगे, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसका जो डिजाइन है उसके लिए एक फ्लो ग्राफ बनाएंगे, द फ्लो ग्राफ शोज द लॉजिकल कंट्रोल फ्लो यूजिंग द नोटेशन एज शोन इन फिगर, जैसे अगर सिक्वेंशियल है तो लीनियर होगा, इफ देन एल्स है तो इस तरीके से होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, अगर फॉल्स है तो ये होगा और उसके बाद ये करना है, ऐसे ही वाइल या डू के, वाइल का ये लूप बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, रिपीट अंटिल के कुछ चीज आपको बार बार रिपीट करनी है, अगर वो कंडीशन फेल हो रही है, अदरवाइज अगर ट्रू हो जाती है तो आगे जाना है, तो इसके बेसिस पे हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कैसे, ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स वन और मोर नॉन ब्रांचिंग सोर्स नोड स्टेटमेंट्स, इनको हम बोलते हैं सोर्स नोड स्टेटमेंट्स, द नंबर ऑफ, अब इसके कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रीजन कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जैसे इसके लिए क्या है, इसके लिए केवल एक ही रीजन है आउटसाइड का रीजन, अगर ऐसा हो तो इसके लिए दो रीजन बन जाएंगे, एक रीजन ये और एक आउटसाइड का रीजन, कितने रीजन बनेंगे, एक रीजन ये और एक ये आउटसाइड का रीजन दो, इसमें भी कितने रीजन बनेंगे, एक रीजन ये और एक रीजन आउटसाइड वाला, तो हमेशा जितने रीजन है एक आउटसाइड वाला रीजन उसमें आपने ऐड करना है, उसके बेसिस पे हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फ्लो ग्राफ इज नंबर ऑफ रीजन, जितने भी उसमें नंबर ऑफ रीजन होंगे वो होगा, से कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ रीजंस के बेस पे, तो जितना नंबर ऑफ रीजंस होंगे उतनी हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दूसरा मेथड है कैलकुलेट द एजेस एंड नोड्स, तो नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ नोड्स प्लस टू, जितने एजेस हैं उसमें से नंबर ऑफ नोड्स माइनस करके हमारे पास प्लस टू ऐड कर दो, वो भी क्या होगी इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और वो दोनों सेम आएंगी, चाहे वो आप फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट कर लो रीजन वाले मेथड से, चाहे इस मेथड से, और थर्ड मेथड क्या है हमारे पास नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स प्लस वन, प्रेडिकेट्स नोड क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे नोड्स होते हैं
जहां पे हमें डिसीजन लेना पड़े, जैसे इफ देन एल्स वाले। तो ये हमारे पास है प्रेडिकेट क्लॉज। अब कंसीडर द फ्लो चार्ट एज शोन इन द फिगर, और अब इसके बेस पे हमें यहाँ पे निकालनी है इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम फर्स्ट मेथड कैलकुलेट करें, देखो रीजन कितने हैं, फर्स्ट रीजन ये है, सेकंड रीजन ये है, थर्ड रीजन ये है, और फोर्थ रीजन क्या है। तो हमारे पास क्या आए हैं, चार रीजन इसके बने हैं। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगी, फोर होगी, टोटल रीजन चार है। और अगर हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग द सेकंड मेथड नंबर ऑफ नोड्स वाले मेथड से, तो उसको हम फ्लो ग्राफ में चेंज करेंगे, और फ्लो ग्राफ में ऐसा बनेगा। अब इसमें नोड्स कैलकुलेट करो, एक दो तीन तो नोड्स ऊपर थे, तो थ्री प्लस फोर फाइव सिक्स सेवन, तो टोटल 10 नोड्स हैं हमारे पास। नंबर ऑफ नोड्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने आए हैं, एट, सॉरी एट, क्योंकि ये तीनों एक ही नोड का काम कर रहे हैं। तो एक तीन और तीन छह और एक सात और एक आठ नोड्स हैं, और एजेस कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 10 माइनस 8 प्लस 2 मींस 4, यहां से भी 4 आई थी, यहां से भी। और चौथा क्या है, प्रेडिकेट नोड्स प्लस 1। तो प्रेडिकेट नोड्स क्या है, जहां से डिसीजन लेना हो। देखो एक तो ये है यस नो वाला, फोर्थ नंबर का नोड प्रेडिकेट नोड है, फिफ्थ नंबर का नोड प्रेडिकेट नोड है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम डिसीजन ले रहे हैं आइदर यस और नो। और ऐसे ही फर्स्ट नोड क्या है, यहाँ से हम डिसीजन ले रहे हैं आइदर यस और नो। तो तीन नोड्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो नंबर ऑफ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, नंबर ऑफ डिसीजन या प्रेडिकेट नोड्स प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4। और इसके बेस पे हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे हम बता सकते हैं कि प्रोग्राम सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 10 से लेस आती है तो सिंपल प्रोग्राम होगा, और अगर वो 10 से ग्रेटर आती है तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक बबल सॉर्ट का फंक्शन दिया हुआ है, हमें देखना है कि इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको अपने एक फ्लो ग्राफ में चेंज करेंगे। तो इसका फ्लो चार्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। अब देखिए, अगर हम नंबर ऑफ रीजन्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं, 1 2 3 और एक आउटसाइड का 4। तो नंबर ऑफ रीजन्स क्या है, 4 है। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई इसकी, 4। दूसरे मेथड से कितने नोड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 7। एन कितना है, 7। एजेस कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, एजिस माइनस नोड प्लस 2, तो कितना आया, 9 माइनस 7 प्लस 2, कितना आया, 9 माइनस 7 2 प्लस 2 4। तो 4 साइक्लोमेट्रिक। और थर्ड मेथड से प्रेडिकेट नोड्स कितने हैं, ऐसे नोड जहां से हम ट्रू फॉल्स या यस नो को डिसीजन ले रहे हैं। तो पहला नोड तो यही प्रेडिकेट नोड हुआ 1, ये भी हमारा प्रेडिकेट नोड है 2, ये भी हमारा प्रेडिकेट नोड है 3। तो नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स कितने हुए, पी कितना है, 3। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, पी प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 4। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द साइज मेट्रिक टू फाइंड द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। और बेसिकली तीन तरह की साइज मैट्रिक्स थी, किलो लाइंस ऑफ कोड, टोकन काउंट, फंक्शनल पॉइंट, और वन मोर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू ऑल।